अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर बी क्या है क्वेश्चन लुक एट द पिक्चर्स हमें पिक्चर्स में देखना है और क्या करना है कंप्लीट द सेंटेंस जो सेंटेंस है उसे कंप्लीट करना है चूज द राइट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स यहाँ पे बॉक्स में हमें आंसर्स दिए गए उसमें से हमें करेक्ट आंसर चूज करना है ठीक है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे हम सबसे पहले ये सारे वर्ड्स उसका मतलब देख लेंगे कि क्या कहते हैं राइट फर्स्ट है रीडिंग रीडिंग यानी पढ़ाई करना क्लीनिंग यानी सफाई करना प्लेइंग यानी खेलना स्विमिंग यानी तैरना डांसिंग यानी डांस करना टॉकिंग यानी बातें करना लिसनिंग यानी सुनना गोइंग यानी जाना ड्राइविंग यानी चलाना गाड़ी या कुछ भी ड्राइव ओके वियरिंग यानी पहनना ओके okay. तो हमने ये सारे मीनिंग वर्ड के मीनिंग देख लिए ये सारे एक्शन वर्ड्स है हमारे तो अभी हमें ये जब हम पिक्चर देखेंगे तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि उसमें हमें क्या लिखना है ठीक है द गर्ल्स आर डैश यहाँ पे देखो अपनी बुक में देखेगा गर्ल्स क्या करिए डांस करिए राइट तो आंसर क्या आएगा डांसिंग

मिनी इज पी एल ए वाई आई एन जी मिनी इज प्लेइंग इन द पार्क श्रेया इज डैश अ बुक यहाँ पे आप देखो पिक्चर में श्रेया क्या कर रही है पढ़ाई कर रही है तो रीडिंग आएगा राइट श्रेया इज रीडिंग अ बुक आर ई ए डी आई एन जी ंग अभी आगे है यहाँ पे देखो मैंने सारे जो रिमेनिंग है वो सारे आंसर्स लिख लिए यानी हमें बारी बारी से वीडियो बनाने के टाइम यहाँ पे से यहाँ ऐसे ना जाना पड़े ओके द वुमन इज डैश अ रूम यहाँ पे पिक्चर में देखो वूमन क्या कर रहे है रूम क्लीन कर रहे है राइट यानी क्या आएगा क्लीनिंग राइट क्लीनिंग के ऊपर चार द वुमन इज क्लीनिंग सी एल ई ए एन आई एन जी द वुमन इज क्लीनिंग द रूम यहाँ पे देखो ये एक लड़का है वो क्या कर रहा है स्विमिंग कर रहा है पानी पूल में राइट तो यहाँ क्या आएगा द बॉय इज डैश इन द पूल स्विमिंग द बॉय इज एस डब्ल्यू आई एम एम आई एन जी द बॉय इज स्विमिंग इन द पूल नेक्स्ट माय ब्रदर इज डैश टू द टू म्यूजिक यहाँ पे देखो ये मेरा भाई है वो क्या कर रहा है सुन रहा है राइट तो सुनने के लिए क्या था वर्ड लिसनिंग राइट तो यहाँ पे आएगा माय ब्रदर इज लिसनिंग म्यूजिक लिसनिंग का स्पेलिंग क्या होता है एल आई एस टी ई एन आई एन जी लिस्निंग राइट नेक्स्ट माई फादर इज डैश हिस् कार यहाँ पे देखो गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाने के लिए क्या कहते हैं ड्राइविंग राइट तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा ड्राइविंग माई फादर इज ड्राइविंग हिज कार राइट डी आर आई वी आई एन जी ड्राइविंग ओके फिर आगे श्री विद्या इज डैश टू द तो मार्केट यहाँ पे देखो ये इनका नाम श्री विद्या है तो वो जा रही है मार्केट तो आंसर क्या आएगा गोइंग क्या आएगा गोइंग राइट श्री विद्या इज going, G O I N G, going to the market. Okay. Next, Harika is dash a purple dress. देखो यह इसका नाम Harika है. उसने क्या किया है? Purple color का dress पहना है, right? तो पहना है उसके लिए क्या आएगा? Wearing, right? यानी कि Harika is wearing a purple dress. डब्ल्यू ई ए आर आई एन जी वरिका इज वियरिंग अ पर्पल ड्रेस और सबसे लास्ट मोनिका इज डैश टू हर ब्रदर ऑन द फोन देखो ये मोनिका है तो हमें क्या बता रहा है जो बातें करिए राइट हमें सेन्टेंस में क्या बता रहा है मोनिका इज डैश टू हर ब्रदर ऑन द फोन बातें करिए यानी उसमें क्या आएगा टॉकिंग राइट टॉकिंग का स्पेलिंग क्या है टी ए एल के आई एन जी टी एल के आई एन जी मोनिका इज टॉकिंग टू हर ब्रदर ऑन द फोन ओके पता चल गया? वेरी गुड